नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम, और खास कार्यक्रम आज इसलिए क्योंकि आप भी देख रहे होंगे कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त पहुँचे हुए हैं और दो गज की दूरी बनाकर ये लोग खड़े हुए हैं, और सिर्फ अपनी गुहार को लेकर, क्योंकि काफ़ी पुरानी मांग को लेकर आज ये फिर से यहाँ पर पहुँचे। आपको बताते चलें कि होमगार्ड्स हैं और 1992 से अभी तक अपनी लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं। एक बार फिर से जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से, किन किन लोगों से बातें हुई हैं, किन किन लोगों ने आश्वासन दिया, और आज तक कहां पर आज इनका मसला जो है वो पहुंचा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ कोरोना महामारी चल रही है और दूसरी तरफ अगर होमगार्ड इस तरह से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा शर्म महसूस होती है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में जितने भी आला अधिकारी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े दावे और वादे भी किए जाते हैं कि हर एक काम जमीनी सतह पर किया जा रहा है, लेकिन कितना किया जा रहा है उसकी मिसाल आपके सामने है। मेरे साथ प्रेसिडेंट इस वक्त कमला शर्मा मौजूद हैं। मैम, क्या कहेंगी, 1992 से लेकर 2020 आज हो चुका है और इतने लंबे समय से आप संघर्ष लड़ रही हैं। सबसे पहले मैम, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप हमें टाइम भी देते हो और टाइम टू टाइम हमारी बात भी ऊपर तक पहुँचाते हो। तो मैम, आज बोलते हैं हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, लेकिन जो इतने एक्ट 1946 से लेके सबसे पहले जे फोर्स आई थी होमगार्ड पूरे हिंदुस्तान में, और राज्य में आई थी 1962 जम्मू कश्मीर में। लेकिन सभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने, मोदी सरकार जी ने और हमारे जो होम मिनिस्टर है, बड़ा कुछ बदला। हम भी चाहते हैं कि देश में बड़ा बदलाव आया, लेकिन जो होमगार्ड का एक्ट है इसमें बिल्कुल भी इनकी किसी ने सुध नहीं ली, ना इनकी तरफ किसी का ध्यान है। अब कोरोना महामारी फैली हुई है तो अब भी हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ कर पूरे हिंदुस्तान में हमारे लोगों ने फ्रंट लाइन पे लग गए जो कोविड-19 में ड्यूटी की है, लेकिन सरकार ने आज तक इनके, हमारे लोगों को क्वारंटाइन भी किया गया सब कुछ। लोग बोलते हैं कि देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो होमगार्ड है वो आज भी गुलाम है, जो इनके लिए आज भी वही 47 के कानूनों में जो जकड़ी हुई है जंजीरों में, इनके लिए वो जंजीरें कब खुलेंगी जिसके अंदर इनको लाया गया है। तो मैं आपके मीडिया के द्वारा जो एक संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे, हम ही कुछ दिन पहले अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मिले थे और उन्होंने, मेरे पास लेटर भी है उसका, उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट मांगी थी कि 10 दिन। क्या तारीख थी उस दिन, क्या था, कुछ याद है? हाँ, 28 मई इसको मैं मिली थी तो सर ने बोला था जे एक हफ्ता, हमने बोला सर आप एक हफ्ता, हम 10 दिन देते आपको, 10 दिन के अंदर वो लेटर भी उन्होंने निकाला, सेक्रेटरी से बोला कि मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट दी जाए जो होमगार्ड के फेवर में हो। लेकिन पॉजिटिव रिपोर्ट के 1.5 महीना हो गया तो, लेकिन आज तक सरकार का, अब वो पहली सरकार है, टाइम थोड़ा कि अब डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया है, कोई डाकखाना नहीं है। जो इन्होंने चिट्ठी लिखनी है तो 2-2, 3-3 महीने लगेंगे, 2-2 साल पहुँचने में। आज तो आजकल डिजिटल का जमाना है, एक फैक्स करना है इन्होंने 2 मिनट में रिपोर्ट पहुँच जाती है, लेकिन वो वही डिजिटल इंडिया कहाँ बन रहा है जे तो हम देख रहे हैं कि लगता है कि क्यों काम नहीं हो रहा, कहाँ पर कमियाँ रह गई है। हम तो चाहते हैं कि हमें तो कोई नहीं पता लगता, सेंटर तो बहुत पैसा भेज रही है, इसमें पैसा भी आता है, कहाँ पे जाता है, ब्यूरोक्रेट्स हमारा मसला क्यों नहीं हल करते हैं। हमें अपनी सरकार पे बहुत भरोसा था, इस सरकार पे चलो बड़े बड़े वादे भी किए, बड़े बड़े काम भी हुए, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं। अब मैम 370 टूटा, 35 टूटी, जूटी के अंदर हमारा आया। अगर जूटी के अंदर हमारा चंडीगढ़ स्टेट है, हमारा पांडिचेरी है, उत्तराखंड है, जितनी भी जूटी के अंदर स्टेट है, पंजाब के अंदर जो चंडीगढ़ है उधर 38,000 मिलती है, और पांडिचेरी के अंदर 23,000 मिल रही है, उत्तराखंड में 28,000 के करीब मिल रही है। अब देखो यूपी में, सभी पूरे हिंदुस्तान में, हम कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का कानून एक होना चाहिए, एक ही कानून के अंदर लाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि इनको कांस्टेबल की पे दी जाए। लेकिन इधर कांस्टेबल की सुनते हुए आपको भी शक होगा, शर्म आती है कि जो 2.5 लाख एक ब्यूरोक्रेट से 2-3 लाख लेता होगा उसका घर नहीं चल रहा, लेकिन जो 2700 वाले जो बेल्ट बांध के जा रहे हैं इनका घर कैसे चल सकता है। जो सरकार को शर्म आनी चाहिए इसके लिए कि हमारे जवान, हमारी जाते इसको खत्म करें, जो क्यों नहीं खत्म करते। अगर ब्यूरोक्रेसी तौर पर बहुत सही बात है, या तो होमगार्ड्स को खत्म कर दिया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर से, क्योंकि पहले तो राज्य थी और अब यूटी बना दिया गया है, लेकिन यूटी बनाने के बावजूद भी इस तरह से अगर काम हो रहा है, जनता परेशान है, आप सोचिए कि महज एक 2700 से किस तरह आप अपने घर का परिवार चला सकते हैं, घर का खर्चा चला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल या निशान जो है वो जम्मू कश्मीर प्रशासन पर भी लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी आला अधिकारी यहाँ पर काम
काम कर रहे हैं उनसे सवाल करना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है डिपार्टमेंट के अंदर। होमगार्ड अगर 1992 से यहाँ पर संघर्ष कर रही है, 2020 आ गया है, लगभग 27 से 28 साल इन लोगों को संघर्ष करते हो गया है, लेकिन आज तक कोई भी हल होता हुआ नहीं दिखा। मैं आपसे जानना चाहूंगी आपकी इस वक्त कितनी एज है? मैम मेरी 27 हो गई है। और कितनी एज में आप इस काम में लगे हुए थे? मैम मैं 7 साल हो गए मेरे को यहाँ पे सर्विस करते हुए। और कितनी पे है अभी? मैम 2700 है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने सालों से अगर होमगार्ड संघर्ष कर रही है, पहली बात तो ये है कि जो पुलिस के अंदर आला अधिकारी बैठे हुए हैं, कई बार मैंने देखा कि आप लोगों से DGP की भी मुलाकात हुई थी, क्या कुछ उनका कहना था? मैम यही कहते हैं कि आपका काम हो जाएगा, आश्वासन देते हैं, खाली उस टाइम को मौके को संभालते हैं खाली, और कुछ नहीं होता मैम। और यहाँ पे हमारे जितने भी लड़के हैं, कोई ये नहीं है कि कोई 8th है 7th है, ऐसा कुछ नहीं, पढ़े लिखे लड़के यहाँ पे MA ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी लड़के हमारे में लगे हुए हैं। तो मैम एक शर्म की बात है कि इतने पढ़े लिखे बच्चे को या इतना इनका फ्यूचर क्या है मैम? फ्यूचर तो कुछ नहीं है ना, हमें गवर्नमेंट एक आश्वासन देती है खाली कि हो जाएगा, एटलीस्ट फ्यूचर तो होना चाहिए ना किसी गवर्नमेंट सर्विस में हम लगे हैं। अभी मैं प्रेजेंट की बात करूँगा, हमें COVID-19 ड्यूटी के लगाया हुआ था और वहाँ पर हमारे एक केस आ गया जिसकी वजह से हमें इन्होंने क्वारंटाइन कर दिया। क्वारंटाइन करने के बाद मैम जब हम वापस जाते हैं इनके पास, सैलरी हमारी क्या होता है कि बाकी लड़के उनकी सैलरी नहीं आती है, हमारे अकाउंट में सैलरी आती है 2400। तो हम पूछने जाते हैं कि क्या है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमें सैलरी नहीं मिल रही है। तो बोलते हैं कि आप क्वारंटाइन थे तो आप हमारे गवर्नमेंट वर्कर्स में नहीं आते हो तो आपको सैलरी इसलिए ये 2400 दी गई है। तो मैम उसके बाद मैंने सर से बात करी, मैंने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि अगर घर में इवन की कोई सर्वेंट भी अगर काम कर रहा है तो उसको भी सैलरी दी जाएगी, फिर भी हम गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, हम पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैम काम कर रहे हैं और हमारी इतनी बुरी दुर्दशा हो रही है आज के टाइम में। हम चाहते हैं अभी तक आप कहाँ कहाँ ड्यूटी दे चुके हो? मैम हम कटरा वैष्णो देवी ड्यूटीज़ होती है वहाँ जाते हैं, उसके बाद हमारे शिवखोड़ी में ड्यूटी होती है वहाँ जाते हैं, पीछे हमारी जितनी भी यात्रा ड्यूटीज हमारी लगती रहती हैं, उसके बाद रेस्क्यू ड्यूटी में भी मैम हम जो लोकल है ना हमारी इतनी बुरी हालत है कि हमें शिफ्ट में बुलाते हैं। किस तरह का रेस्क्यू करते हैं आप लोग? मैम अगर कोई डूब गया हो दरिया में तो हमें भेजते हैं मैम आगे, वो खुद जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं वो पीछे हो जाते हैं, लेकिन जो डेली वेजर्स उस वक्त NDRF SDRF की टीमें कहाँ रहती मैम? होती साथ में है लेकिन बोलते हैं कि आप जाओ हम नहीं जाएंगे। यानी कि जब मौत का काम आ जाता है, जहां पर जान पर जोखिम आ जाता है, वहां पर होमगार्ड को आगे कर दिया जाता है, लेकिन जब पे लेने की बात आती है तो वहां पर सारे आला अधिकारी आगे आ जाते हैं। यहां पर सवालिया निशान यही उठ रहा है कि NDRF SDRF के साथ मिलकर पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये लोग काम करते हैं, लेकिन अभी तक क्या दुर्दशा इनकी हो रही है ये आप सबके सामने है। 27 साल का युवक है, महज 20 साल में काम करने लगा था होमगार्ड में, लेकिन 27 साल की उम्र हो गई और मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रशासन का रवैया है इसी हालात में ये बुढ़ापे की ओर भी चला जाएगा और 2700 पर ही टिकने वाला है, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से अगर कोई एक पॉजिटिव आ जाता है तो जाहिर तौर पर प्रशासन को उसकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इस दौरान अगर तनख्वाह ही काट दी जाती है तो आप सोचिए कि मानसिकता क्या है जो लोग यहाँ प्रशासन के अंदर बैठे हुए हैं, आला अधिकारी बैठे हुए हैं, उनकी क्या मानसिकता है, वो क्या सोच विचार कर रहे हैं, ये बहुत गौर करने की ज़रूरत है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से धूप हो, छाँव हो, पानी है, बारिश है, हर एक मौसम में आप लोग काम करते हैं और डटकर काम कर रहे हैं, कोरोना महामारी को लेकर भी काम कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि आखिर क्यों आपकी जो बात है वो सुनी नहीं जा रही? जी मैडम मैं रामबन से बोल रहा हूँ। तो हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो ड्यूटी है, ड्यूटी जो 9 दिन की है हमारी, तो 9 दिन की ड्यूटी जबकि हमारे को यहाँ जब ड्यूटी हमारी है यहाँ पर तो जो सेंटर के कानून है बाकी में 30 दिन की ड्यूटी है। ड्यूटी हमारी पहले तो मास्क पहनिए आप। ड्यूटी जो हमारी है 9 दिन की है जो बाकी यूटी में 30 दिन ले रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर में ये 9 दिन दे रहे हैं हम। तो बड़े दुख की बात है कि यहाँ पे हमें काम करते हैं, जब भी जो भी होगा हमें काम करते हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो 9 दिन का है इसको बढ़ाकर 30 दिन किया जाए क्योंकि यूटी के कानून यहाँ पर लागू होने चाहिए। यानी कि यूटी के कानून जो हैं वो लागू होने चाहिए। अब यहाँ पर सरकार पर भी सवाल उठता है, प्रशासन पर सवाल उठता है कि जम्मू कश्मीर अगर यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है तो क्यों केंद्र शासित की तर्ज पर काम जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रहे हैं? मैम आप कुछ कहना चाहेंगी कि अगर यूटी बनाई गई है यूटी की तर्ज पर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सेंट्रल डिपार्टमेंट के पास जो स्कीम्स हैं वो यूटी के अंदर चलनी चाहिए। पहले तो स्टेट थी और एक बहाना रहता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर
जो यूटी के अंदर चीज़ें हैं वो नहीं होंगी, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो संशोधन किया गया है, या स्टेट जिस तरह से पहले से वो थी, धारा 370 थी, 35 ए थी, कुछ चीज़ें जो थी वो जम्मू कश्मीर में नहीं चलाई जाती थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका हल नहीं हुआ। भाई मैम, हम भी यही कहना चाहते हैं कि जब हम पहले कोई भी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जैसे भी हमारा ऑर्डर हुआ ना, तो इन्होंने, मैंने आपको भी कई बार आपके मीडिया में भी वो ऑर्डर दिखाए थे, चाहे कुछ भी था, तो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे वो कहते थे कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते हैं, जहाँ नहीं चलता है। लेकिन जब अब ड्यूटी बन गया है, ड्यूटी के अंदर इन्होंने सभी डिपार्टमेंट जो थे, लेकिन होमगार्ड को ड्यूटी के अंदर क्यों नहीं लाया? हम इसको चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जो ड्यूटी के अंदर क्यों नहीं इसको ला रहे हैं, क्या रीजन है इसके अंदर, कितना पैसा दे रहे हैं, क्या ब्यूरोक्रेसी की जो कोई कार्रवाई है? अब जो देखो ड्यूटी बना पहला नंबर, तो जो पहले सरकारें थी उनके पास नहीं, अब जब इनके पास है, हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी यही रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम कोई ऐसा एडवाइजर नहीं है, कोई ऐसा गवर्नर नहीं है, कोई सेंटर के मंत्री नहीं है जिनको हम नहीं मिले हैं। अब सेंटर वालों ने भी इनको लेटर भेज दिया, जब हम 27 फरवरी को जय कृष्ण रेड्डी जी हमारे MOS होम है ड्यूटी के, वही इंचार्ज है इधर जम्मू कश्मीर के। अब ज़्यादातर बात ये भी है कि जो पुलिस है वो आता भी सेंटर के अंदर है, होम डिपार्टमेंट, हम होम डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, तो वो आता भी होना, उन्होंने भी इनको लेटर भेजा, गृह मंत्रालय की तरफ से लेटर आया कि इस ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करो, जो पुलिस कांस्टेबल की सैलरी है इनको ड्यूटी के अंदर लाओ, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दिया दे के उन्होंने लिखा हुआ लेटर, लेकिन 1.5 महीने के अंदर इन्होंने लेटर टास्क का मास नहीं हुआ। वही हम चाह रहे हैं कि क्यों नहीं इधर ड्यूटी के कानून लागू हो रहे हैं, हम चाहते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारा डिपार्टमेंट ड्यूटी के अंदर आना चाहिए और इनको पूरा साल ड्यूटी मिली। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से जो हमारे पूर्व गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक, वो जैसे ही यहाँ से हटते हैं, पहले यहाँ पर विराजमान थे उस वक्त उन्होंने मुंह नहीं खोला है, लेकिन जैसे ही यहाँ से हटते हैं और दोबारा वो गोवा जाते हैं, वहाँ पर जाकर जिस तरह से बयानबाजी करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भ्रष्टाचार जो है वो चरम पर है, और फिर सरकार की तरफ से कहा गया कि अगर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा, बहुत बड़े बड़े दावे जो है वो हांके गए कि यूटी बनाने के बाद सबसे पहले काम भ्रष्टाचार पर होगा। क्या लगता है, भ्रष्टाचार पर काम हुआ? हमें तो कुछ नहीं लगा भ्रष्टाचार पे काम हुआ, अगर भ्रष्टाचार पे काम होता था सबसे पहले तो होमगार्ड को रेगुलर किया जाता था, क्योंकि इनका तो पैसा 200 करोड़ तो पहले आता था, अब पता नहीं कितना आता है। अगर जब बोलते हैं कि SDRF है वो भी इसी खाते में चल रहे हैं, जो पुलिस के डिपार्टमेंट है वो भी इसी खाते में, अगर SDRF के साथ हमें क्यों लगाया? हमारी बिल्डिंग, हमारे दफ्तर, हमारा DG, हमारा सब कुछ वो सारे परमानेंट है, DG है, ADG है, IG है, DIG है, कमांडर है, एरिया कमांडर है, वो सारे परमानेंट, वो लाख रुपया सैलरी लेंगे, जो जवान है वो 2700 रुपया लेगा, जो कौन सा अंधा कानून है इस स्टेट में? हम तो बड़े खुश हुए थे कि ड्यूटी के अंदर आया। क्या डीजी कोरोना वॉरियर्स के तौर पर लड़ने गया? क्या DG COVID-19 की जो लड़ाई थी उसमें लड़ने के लिए गया? क्या ग्राउंड जीरो पर DG ने काम किया? क्या SDRF NDRF के साथ मिलकर DG वहां पर बैठा, IG वहां पर बैठा, कमांडेंट वहां पर बैठा, या फिर ये होमगार्ड वहां पर बैठे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। होमगार्ड वालों ने तो हमें तो किसी ने, जो हमारा डिपार्टमेंट था, आज तक किसी ने आके नहीं पूछा कि होमगार्ड वाले बेचारे कैसे घर चला रहे हैं। आगे जो दिहाड़ी भी लगाता कोई, रेड़ी फ्रूट कुछ भी दुकान पे भी कोई काम करता था, लेकिन इनका तो बेचारों का क्या होगा, किसने किया इनका? हमारे डिपार्टमेंट ने, मैं खुद DG साहब BK साहब थे, मैंने उनसे बात की, हमारे होमगार्ड जवानों के साथ ये हो रहा है, बोलते मैं गवर्नर साहब से बात कर, जो हमारी बात उठाएगा उसको मैम ये तो हफ्ते के अंदर ही चेंज कर देते हैं, जो हमें पता नहीं लगता कि जो हमारे फेवर में बोलेगा उसको क्यों उठाते हैं, उसको क्यों चेंज करते हैं, क्या रीज़न है? अगर सभी को सैलरी मिल रही थी, जो घर में भी बैठे थे परमानेंट मुलाजम, जो 70,000 भी लेते थे, लाख भी लेता था, वो ड्यूटी नहीं आएगा उसको सैलरी मिलेगी। होमगार्ड वाला एक ड्यूटी भी करता जैसे इस लड़के ने बोला, उनको वो 2700 उन्होंने बोला आप शिफ्ट में नहीं आए, अपनी ड्यूटी नहीं की है, जिन लड़कों को गाड़ी नहीं थी कुछ नहीं थी वो कैसे, लेकिन उनको सैलरी किसी को नहीं दी, उनकी सैलरी काटी गवर्नमेंट ने। एक साथ यहीं पे झोल देखिए किस तरह से COVID-19 के दौरान भी किया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो पूरी दुनिया को संबोधित करते हैं, देश को संबोधित करते हैं, और साफ लफ्जों में कहते हैं कि COVID-19 के दौरान आप किसी की सैलरी नहीं काटेंगे, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट है, कोई भी अगर है तो वो सैलरी नहीं काटेगा। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि जो लोग अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं उन्हें भी फुल सैलरी जो है वो दी जाएगी, लेकिन होम गार्ड्स की सैलरी जो है COVID-19 के दौरान भी काटी जाती है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि जिस तरह से सैलरी काटी गई COVID-19 के दौरान, एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग आपके लिए उस वक्त रहा होगा कि अगर किसी बीमारी की वजह से या गाड़ियाँ नहीं चलने की वजह से आप लोग घर से अपनी ड्यूटी तक नहीं पहुँच पाए, तो कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ा। मैडम, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ,
कोविड महामारी के 90 में चलते हुए हमें पुलिस स्टेशन में, पोस्टों पे, हर जगह हमारी ड्यूटी, हमने हर जगह ड्यूटी की। हमने पैदल घर से पैदल चलकर 10-10 किलोमीटर चलकर ड्यूटी की, लेकिन हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे कई लोग जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, उसके बावजूद भी हमारे बारे में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा। जहाँ पे धारा 370 हट सकता है, 35A हट सकता है, और पाकिस्तान में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है, क्या हमारा वो ऐसा कौन सा एक्ट है जो नहीं टूट सकता है? हम ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा कुछ ना कुछ किया। चलिए, मतलब बार बार सरकार से ही गुहार लगाई जा रही है कि कुछ ना कुछ बंदोबस्त इन लोगों का किया जाए, क्योंकि पिछले 27-28 साल से ये लोग संघर्ष लड़ रहे हैं। उत्तराखंड की बात इन्होंने की है, उसके साथ पंजाब सरकार की अगर मैं आपको बात बताऊं, काफ़ी समय पहले पंजाब सरकार ने इनके डिमांड्स पर गौर किया था और इनकी सैलरी को बढ़ा दिया गया था। मैम, और कौन कौन सी स्टेट्स रही हैं जहां पर होमगार्ड्स के साथ जो नहीं हो रहा था, यानी सैलरी को लेकर जो काम नहीं हो रहा था, उस पर जल्द से जल्द काम किया गया? कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स रही हैं, यूटी रही है? नहीं मैम, तो बाकी स्टेटों में तकरीबन सभी ने इम्प्लीमेंट किया है इसको। वो उनका PBF भी काट रहे हैं उनका, और उनको फ्री आने जाने का जो भी है वो भी फ्री है, और साथ में उनको अब रिटायरमेंट, हमारे लोगों का कोई इंश्योरेंस नहीं है। अगर कोविड-19 आया ना, उन लोगों का 50 लाख रुपया इंश्योरेंस हो गया, चाहे वो पंजाब है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे यूपी है, किसी भी। हमारी सरकार ने कुछ इनको 10 रुपये का इंश्योरेंस नहीं दिया। बाकायदा जो बीमार हो गए अपना खर्चा खुद काटेंगे, जो कोरोना में भी कर रहे हैं, जैसे इन लड़कों ने किए, इनसे भी पैसे काटे हैं। तो सारी स्टेटों ने इम्प्लीमेंट किया, सिर्फ जम्मू कश्मीर स्टेट है ऐसी जहाँ जे नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हिमाचल ने भी इम्प्लीमेंट किया, दिल्ली में भी, लोग बोलते हैं केजरीवाल ऐसा, मैं बोलती हूँ उन्होंने भी अच्छा काम किया। अच्छा, तो इनको इम्प्लीमेंट भी किया गया है सारे आर्डरों को, सिर्फ हमारी स्टेट है जहाँ पे 2700 रुपया है, बाकी कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे। मतलब कि हर एक स्टेट ने अपना काम यहाँ पर किया, लेकिन जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर आखिर काम क्यों नहीं हुआ है, ये बहुत सोच विचार करने की जरूरत है। 27-28 लगभग साल जो है वो हो चुके हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और बार बार प्रशासन से, सरकार से गुहार भी लगाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कान पर जुई तक नहीं रेंग रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है कि आखिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं की जा रही। होम डिपार्टमेंट के अंदर ये सारा काम आता है, होम डिपार्टमेंट की तरफ से हरी झंडी दे दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जा रही है ऑर्डर को लेकर। आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कहां पर त्रुटियां रह गई हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर होम डिपार्टमेंट की तरफ से भी ऑर्डर दे दिया गया लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मैम, पिछले काफ़ी टाइम से मतलब हम स्ट्रगल कर रहे हैं इस एसोसिएशन में, लेकिन आज तक हम तो थक गए हैं स्ट्रगल करते करते। हमें कहीं से कोई इंसाफ नहीं मिला, ना ही गवर्नमेंट ने हमारी कोई अपील ली, ना ही कोई सुनी, ना ही कुछ ऐसा कोई रिप्लाई दिया हमें कि जिससे हमें लगे कि ठीक है, मतलब कोई आश्वासन ही ऐसा दिया। और ना ही मतलब यहाँ पे सभी तकरीबन 10+2 ग्रेजुएट एम ए BEd लड़के हैं, ठीक है, और 9 डेज़ की इनको ड्यूटी दी जाती है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इनसे पूछना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि ये 20 दिन इनको कौन काम देगा और ये कहाँ काम करेंगे? पिछले सिर्फ 9 डेज़, और पहले इन्होंने 545 हमें सैलरी मिलती थी, अब हमको उन्होंने 500 से बढ़ा के 2700 रुपया कर दिया। बार बार मजाक करती है गवर्नमेंट हमारे साथ, हम तो बस मतलब अभी तंग आ चुके हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। और पिछले काम शादी होगी आपकी? नो मैम, अभी नहीं हुई है। अगर शादी होती है तो 2700 से किस तरह अपना घर चलाएंगे आप? वही तो मैम, ये डिपार्टमेंट होने देते शादी हमारी नहीं हो रही है ना, बस यही तो चीज़ है, यही तो प्रॉब्लम है। अभी देखो रिश्ते भी बहुत आते हैं, ऐसा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम क्या बताएं उनको, लड़की वालों को क्या बताना कि हमारी 2700 सैलरी है, कौन देगा अपनी लड़की? यहाँ तक कि होम गार्ड्स में ऐसे कुछ लोग थे पिछले कुछ टाइम से कि वो इतने गरीब थे कि उनकी मतलब बीमार हुए, मतलब मेडिकल खर्च नहीं था उनके पास, ऐसे घर में गरीबी थी, तो वैसे ऐसे बीमार हुए तो बेचारे चले गए हैं, डेथ होगी उनकी। मतलब कोई पेंशन नहीं है, कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है कि इंश्योरेंस दिया जाए या कोई बेनिफिट के कोई भी चीज़ जो है वो इन लोगों को दी जाए, सिर्फ और सिर्फ काम काम काम। अभी तक कहाँ कहाँ ड्यूटी दे चुके हो? मैम अभी फ़िलहाल मेरी अभी आरसपुरा पुलिस स्टेशन में है ड्यूटी, तो पहले मेरी लाइन में थी, तो फिर यात्रा में अमरनाथ यात्रा में ड्यूटीज दे चुके हैं हम, और अभी जो कोरोना के दौरान जितना भी मतलब हमने बाहरी ड्यूटी दी है सारी सोशल डिस्टेंस करने के लिए और सबको मतलब। अच्छा, बड़ा सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, 50,000 नौकरियाँ जम्मू कश्मीर में देने को कहा गया है जिसमें डेली वेजर्स आ रहे हैं, आप लोग भी शायद उसी में हैं, और क्या लगता है कि आप लोगों को पहले परमानेंट करना चाहिए था, आप लोगों की सैलरी पहले देनी चाहिए थी जो लोग डेली वेजर हैं उन्हें परमानेंट करना चाहिए था, या फिर नई भर्तियां यहां पर शुरू होनी चाहिए थी? कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर, क्योंकि 50,000 नौकरियां देने की बात कही गई थी जिसमें अभी रिसेंटली ही जीसी मुर्मू की तरफ से भी और रोहित कंसल की तरफ से भी बताया गया कि 10,000 नौकरियों के लिए आवेदन
कराए जाएंगे और 700 से 7500 लगभग की पोस्टें जो हैं वो क्लास फोर्थ के लिए यहाँ पर निकाली जाएंगी। मैम पहली बात तो ये कि जो डेली वेजेस हैं उनका वर्क और हमारा वर्क दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। हमारे काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की हैं क्योंकि हमने रेस्क्यू और डिजास्टर में मतलब सारे ये काम करने होते हैं, ठीक है। किसी को जान माल की किसी की हिफाजत करना कोरोना के दौरान, जैसे डेली वेजेस तो वो तो नहीं ना बाहर ड्यूटी यूनिफॉर्म डाल के ड्यूटी कर रहे, हम लोग हैं अगर बीमार हो गए या कोई भी इंजरीज हमारे साथ होगी, है ना। तो इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए कि मुझे यही लगता है कि और ऊपर से काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं हम, तो हमें लगता है कि हमारा इनसे मतलब इनका भी होल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को हमारे बारे में भी पहले सोचना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा रिस्की काम जो है वो एक होमगार्ड करता है। जाहिर तौर पर अगर हम देखें कि अगर कोई भी किसी नाले या दरिया में व्यक्ति गिर जाता है तो उसे जब ढूंढने जाया जाता है, गोताखोरों को बुलाया जाता है, तो उस पर भी होमगार्ड्स को आगे किया जाता है कि आप चलिए आप ढूंढिए और ले आइए। लेकिन जान पर जोखिम जिस तरह से होमगार्ड यहाँ पर अपनी दिखा रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ इन मानदेय को लेकर करना चाहिए, क्योंकि 2700 से तो किसी का घर चलने वाला है नहीं। सर आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह लगातार डिमांड जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मानदेय को लेकर उठ रही है कि 2700 रुपये काफ़ी नहीं है, बहुत परेशानियाँ उससे झेलनी पड़ रही हैं, कुछ कहना चाहोगे सरकार से? क्योंकि बार बार गुहार तो आप लोग काफ़ी समय से लगाते आए हैं, अब तो थक भी गए होंगे। मैं सबसे पहले मैं मीडिया के माध्यम से मीडिया का धन्यवाद करूँगा जो हमारा बात आपको ऊपर पहुँचाने के लिए सबसे आगे आते हैं हमारी। तो मैम आप खुद ही बताइए 9 दिन ड्यूटी करने के बावजूद हम जो हमारे 21 दिन बचते हैं हम कहाँ जाएंगे? 21 दिन बचते हैं ना हमारे, हम किसी के बाद डेली अपने क्या बोलते प्राइवेट जॉब करने जाते हैं तो वो पूछेंगे हमसे कि 9 दिन कहाँ हो आप, कोई भी हमें नौकरी नहीं देगा। और सबसे पहले मैम 8 घंटे कौन सा अपना वर्क होता है, वर्किंग कौन सी करवाई जाती है एक महकमे के अंदर में? 8 घंटे कौन सी वर्किंग करवाता है, कौन करवाता है? मैम हमसे 8-8 घंटे वर्किंग ली जाती है। मैम हर लड़के से बेचारे घास कटवाया जाता है, जो गंद माल पड़ा हुआ सब उठाते हैं, इवन कि हमें मैम एक म्युनिसिपल कमेटी वाले जो होते हैं ना सफाई कर्मचारी उनसे भी हमें ऊपर रखा हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं मैम, बोल बोल के थक गए, अभी हमने शादी करी है मैम, कैसे चलेगा ये सब सिस्टम? बिल्कुल सही है कि इतने बुरे दौर से अगर कोई गुजर रहा है तो जाहिर तौर पर शब्द भी नहीं है बोलने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, किस तरह से काम होगा, क्योंकि बार बार अब थक चुके हैं प्रशासन से भी गुहार लगाकर कि इस पर हल किया जाए, हल किया जाए, क्योंकि हर किसी आला अधिकारी से मिलना होता है। अभी रिसेंटली जीसी मुर्मू के साथ भी मुलाकात होती है, 10 दिन का समय उन्हें दिया जाता है लेकिन वो 10 दिन भी निकल जाते हैं, उस पर भी कोई काम नहीं होता है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं और 10 दिन का समय आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दिया था, अब क्या लगता है कि उम्मीद बन रही है या फिर टूट रही है? मैडम जी सबसे पहले मैं आपका जेके मीडिया का थैंक्स करता हूं कि आप हमारी आवाज़ जो यहां से लेकर ऊपर प्रदर्शन तक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाती है, गवर्नर तक आप आवाज़ हमारी पहुंचाते हो, हम आपका मीडिया का तहे दिल से आपका हम थैंक्स करते हैं, शुक्रिया करते हैं कि आप हमारी कितनी हेल्प करते हो। मगर रही बात हमारे गवर्नर साहब जिसे हमारी मैडम मोहतरमा मैडम कमला शर्मा जी गवर्नर साहब से मिली थी, इनको आश्वासन दिया, उन्होंने बोला था कि 10 दिन तक 10 दिन के अंदर आपका जो मसला हल करके इम्प्लीमेंट करके हम यहीं से, उन्होंने ये भी कहा था कि हमारा जो एडवाइज़र है जो भटनागर साहब वो कोरोना टाइम उधर दिल्ली में है, जैसे ही वो आएंगे तो वैसे ही हम आपका मसला हल करा देंगे। मैडम जी अभी 1.5 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अगर आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, हम पानी की फ़ीस नहीं, 3000 रुपया PHE वाले पानी की फ़ीस मांग रहे हैं वो नहीं दे सकते, हम बच्चों की फ़ीस नहीं दे, इस वक्त 3-4 महीने बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते हैं, हमारे बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं मैडम जी, और हम खुद इतने मजबूर हो चुके हैं, हम खुद आत्महत्या करने के लिए तैयार हो चुके हैं, अब इस नौकरी से मरना ही बेहतर है। कौन सा एडवाइज़र के पास हम ना मिले, कौन से गवर्नर के पास हम नहीं मिले हैं, प्रधानमंत्री हमारे उधमपुर में तैनात हूँ मैडम जी, हम हमारे बट्टरवालिया उधमपुर में ये हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये हमारे आए थे उधमपुर में, इन्होंने एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार बोला, वैष्णो देवी पे हाथ रख के उन्होंने बोला था कि मुझे पता है ये खाकी जो वर्दी वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, अगर मेरी जम्मू कश्मीर रियासत में हुकूमत आएगी सबसे पहले मैं होमगार्ड के जवानों को इन यूनिफॉर्म वालों को इंसाफ दे दूँगा। आज तक दूसरी बार सरकार आ गई मगर हमारे बारे किसी ने नहीं सोचा, हमारे बच्चों पर तरस नहीं आया। हम गवर्नमेंट से ये बोलते हैं कि हमें छोड़ो, हमें रूखी सूखी जैसे खा के अब गुजारा करते हैं, हम हमारे बच्चों पर दया करो, हमारे बच्चे भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और ना हम फीसें दे रहे हैं, वो बहुत बुरे ज़्यादा परेशान जो हैं वो आप लोग हो चुके हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बार बार कहा गया था कि होमगार्ड का मुद्दा सबसे पहले सुलझाया जाएगा, खाकी
वर्दी वालों के साथ जो इंसाफ नहीं हो रहा है वो सबसे पहले होगा अगर हुकूमत यहाँ पर बीजेपी की आती है। तो दो बार जो बीजेपी सरकार है वो जम्मू कश्मीर के अंदर बन चुकी है और सेंटर में भी बन चुकी है, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से ये लोग आज भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जाते जाते एक संदेश लेना बहुत ज़रूरी है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से डॉक्यूमेंटेशंस भी इनके पास थी, वो भी हम अलग से एक जो स्क्रॉल के जैसे या फिर स्क्रीन शॉट ही समझ लीजिए वो भी चलाएँगे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। जितने भी आला अधिकारी अपने दफ्तरों के अंदर बैठ कर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको बहुत संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर एक परिवार वाला व्यक्ति, जो उम्रदराज व्यक्ति, एक युवा जिसे हम बार बार देश का भविष्य कहते हैं, वो भी होमगार्ड के अंदर और बुजुर्ग भी होमगार्ड के अंदर, यानी हमें सबको एक साथ लेकर चलना है, लेकिन क्या हम चल रहे हैं वो आप अपने अंदर ज़रा झांक कर देखिए कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। मैम जाते जाते एक संदेश आपसे लेना चाहती हूँ। मैम मैं सबसे पहले तो एक यही संदेश दूंगी कि मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को तय दिल से और हमारे होम मिनिस्टर जो सेंटर के अंदर अमित शाह जी से हमें बहुत उम्मीदें हैं उनसे और वो बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे एक लास्ट यही संदेश देना चाहती हूँ कि आपके मीडिया के द्वारा कि जहाँ तो इस होमगार्ड को ख़त्म किया जाए, जे लोग अपना रोज़गार काम तो करें, जे लोग सुसाइड करने पे मजबूर हुए और मेरे होमगार्ड के दो जवान अभी 3 महीने पहले डेथ हुई है, सरकार ने हमारे डिपार्टमेंट ने उनको 10 रुपये का कफन नहीं डाला मैडम इन्होंने, तो जे कौन सा डिपार्टमेंट है, अगर कोई बाहर भी मरता ना उसकी भी लोग हेल्प करते हैं, हम इधर पूरी उम्र 60 साल दे के जाएंगे, हमारे बच्चे कल पूछेंगे आपने देश के लिए इतना सेवा किया, देश का झंडा उठाते थे, भारत माता की जय बोलते थे, लेकिन हमारे साथ इंसाफ नहीं है, इंसाफ उनके साथ होता जो देश की गद्दारी करते हैं, देश के गोलियों के साथ कराते हैं, सरकार उनका हक भी उनको सुनती भी है और उनको नौकरी भी देती है, कहीं भी अगर कोई पोस्टें निकलती है तो मेरे होमगार्ड जवानों को अगर इन्होंने आज तक 50% कोटा भी दिया होता तो ये कब के कहीं तो कभी इनको रोजगार मिलता था। लेकिन मैं मोदी साहब से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि जहाँ तो हमें इंसाफ दीजिए, उनकी सरकार में ही हमें इंसाफ मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए इस देश के लिए, तो हम यही चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान का जो 1962 का एक्ट है उसको तोड़ा जाए और इसको संशोधन किया जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी हमारी पार्लियामेंट के अंदर 2006 में बनी थी, मेरे पास उसकी कापी है, उन्होंने राज्य सरकारों को कहा था, उस वक्त शिवराज पाटिल साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने यही संदेश दिया था कि राज्य सरकारें हमें बताएं कि अपनी अपनी होम गार्ड राज्य सरकारों में कितनी है, कितना बजट आता तो हम करेंगे, लेकिन उन्होंने लेटर दिया, राज्य सरकारें इतनी चोर थी जिन्होंने आज तक इसके लेटर का कोई जवाब नहीं दिया। जय हिंद। भ्रष्टाचार ही सामने आ रहा है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। अब इस पर देखना यह है, गौर करना यह है कि आखिर 1962 में जो एक्ट बनाया गया था वो संशोधित क्यों नहीं हुआ, और बार बार मोदी सरकार से ही ये लोग गुहार लगा रहे हैं क्योंकि 35 और 370 को जिस तरह संशोधित किया गया जम्मू कश्मीर की रियासत से, उसी तरह से हल सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार कर सकती है, ये इन लोगों का कहना है। बहुत बड़ी गुहार अब ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं और आपने देखा कि आत्महत्या करने तक का भी इन्होंने अब मन जो है वो बना लिया है, एक चेतावनी प्रशासन को सरकार को इन्होंने दी है कि जल्द से जल्द इनके मसले का यहाँ पर हल किया जाए, क्योंकि अब 27-28 साल से ये लोग धरने प्रदर्शन भी करते हुए थक गए हैं, गुहार लगा लगा कर थक गए हैं, कई सरकारें आई हैं, कई चली गई हैं, कई आला अधिकारियों से बातें हुई, कईयों की ट्रांसफरें भी हो गई, लेकिन ये वही के वही रह गए। तो इस पर गौर कीजिए, विचार कीजिए, प्रशासन को सरकार को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, होम डिपार्टमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है कि आखिर कहां पर त्रुटियां रह गई हैं कि होमगार्ड जो डिपार्टमेंट है, होमगार्ड के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, इनके मसले को हल नहीं किया जा रहा है। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।